यहाँ पे देखो कितने सुंदर फूल है, रेड कलर के, रेड भी नहीं है थोड़ा, पता नहीं, हाँ पिंकिश वो है, बेबी पिंक टाइप, तो मस्त लग रहा है भयंकर। ट्रेनिंग सेंटर शांत लग रहा ना यार, इधर। वहाँ आते हैं, इधर ही आते हैं घूमने। हम वहाँ नहीं जाते, लोग मार्केट में जाते हैं घूमने के लिए, हम हाँ, दोनों यहाँ आते हैं घूमने के लिए। हमारा बचपन अभी तक गया नहीं है, हम छप छप अभी भी लगे रहते हैं। एक मिनट कंपनी बंद है। भिगा दो मेरे को। कितना मजा आ रहा है। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज अभी हम रेडी हो चुके हैं क्योंकि अभी हमें जाना है गोली के स्कूल, वो अभी आ रही है हमारे साथ, तो चलते हैं। हम दो ही जा रहे हैं क्योंकि कशिश अभी सो रही है। तो गाइस ये रहा गोली का स्कूल। तो अभी हम पहुंच चुके हैं स्कूल और बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम फीस जमा करते हैं और घर चलते हैं। वहाँ से ऊपर गोली की क्लास होगी और हम यहाँ बाहर पे बैठ रखे, अभी मैम बिजी है। गाइस हम बाहर बैठ रखे हैं और मैम बिजी है बहुत ज़्यादा ही। कब आएगा हमारा चांस? और हम ना यहाँ पंखे से मर रहे हैं, ओछा ओछा लग रहा था तो पंखा चल रहा और हमें इतनी ठंड लग रही है। गोली की क्लास तो ऊपर होगी यहाँ से। ये है स्कूल का ग्राउंड, गोली के स्कूल का ग्राउंड। यहाँ ऐसा है स्कूल का ग्राउंड। और गोली अभी पढ़ रहा होगा, वो अंदर जा चुकी है फीस जमा करने। मैं अकेले बैठी हूँ बाहर पे, तब तक फ़ोन चलाती हूँ। ये है गोली का न्यू लाइफ एकेडमी, जहाँ वो नई नई बातें सीखता है, न्यू लाइफ, अबाउट न्यू लाइफ। और ये रही हमारी धन्नो, धन्नो। अब चलते हैं इसको पकड़ के घर, धन्नो के साथ यहाँ बुआ भी। तो गाइस हम गोली के स्कूल से तो आ गए थे, हमने सोचा मंदिर चलते हैं, पर बुआ हमारी इतनी अच्छी है कि खुले पैसे नहीं रखती, तो अब हम ले रहे हैं कुरकुरे वगैरह, टकाटक, टेढ़े मेढ़े दे दो। टेढ़े मेढ़े ही ले लो। अच्छी वही क्या पूछ लिया सोम। तो अब हम ले रहे हैं पहले कुरकुरे ताकि हमारे पास हो जाए खुले पैसे, तो खुले पैसे करवाते हैं फिर चलते हैं हम मंदिर। तो गाइस ये है IPS, द इंडियन पब्लिक स्कूल। ये बहुत बड़ा स्कूल शत्रुघ्न सिन्हा का है ये। है यहाँ हमारी बुआ, चलो बजाओ। अरे हाइट लंबी है, नाउ आई टच, ऐसे बजाते हैं। यहाँ हम पहले भी आए थे, आपने देखा होगा कशिश के बर्थडे व्लॉग में देखा होगा, हम पहले भी आए थे यहाँ पे, उस दिन हमने दर्शन वगैरह करे और फिर हम चले गए थे घूमने। और खाली खाली लग रहा है मंदिर तो। सिर्फ हम दोनों, सिर्फ हम दोनों ही दिख रहे हैं यहाँ तो। लेट आते हैं ना मंदिर। हम जल्दी आ गए, कितना हो रहा टाइम? अभी बज रहे हैं 10:40। लेट्स चलो मंदिर के अंदर। पुजारी जी और पंडित जी सब बैठ गीला रखे गीला है, गीला तभी तो है। मैंने कहा था सॉक्स निकाल दो, क्योंकि हमें पता है ना, हम पहले भी आ रखे थे यहाँ, पोछा मारा रहता है ना, उस दिन में हम शायद ऐसे कुछ टाइम पे आए थे तब भी गीला था। बहुत ठंडा फर्श है भाई। बुआ तो ही बेटा, यहाँ नहीं गिरना।
कितनी ठंडे हो रखे यार, कितने ठंडे हो रखे। ये है शिव जी का, वो शिवलिंग। हमने पूरे दर्शन कर लिए हैं। कौन है? सीता। वाओ, यहाँ पे मशीन है जिससे ऑटोमेटिक ड्रम बजते हैं शायद। वाओ, ऐसे मशीन भी है क्या? मेरे को पता नहीं था। प्रसाद हमने ले लिया है। हाँ, ये है गणपति पप्पा, बप्पा, गणु बप्पा। ओह माय गॉड, ऐसे इधर से उधर। चलो भाई, अब हम चलते हैं घर। आगे चलो, घर चलते हैं। बेचारी कशी जब ये देखेगी तब उसको कितना अफसोस होगा कि मैं क्यों नहीं आई। चलो लेट्स गो। तो गाइस, ये है इन्होंने कर रखी है खेती, पता नहीं कैसे बट बहुत सही कर रखा है, बहुत सही लग रहा है देखने में। और ये देखो सरसों का खेत देख रहे हो, मतलब मेरे को सरसों का खेत इतना पसंद है। जैसे DDLJ में नहीं देखा था कैसे वो मस्त जाते हैं, तो ये सरसों के खेत। वाह यार, ऐसे तो गांव की याद आ जाती है मुझे ऐसे देख के। उस वाली साइड में, हाँ उधर साइड से। कहाँ से हम यहाँ पहुँचे हैं, और ये जो मेरे पीछे है ना, ये है सिक्योरिटी गार्ड का, जो वो नहीं होती ट्रेनिंग सेंटर्स वगैरह, तो ये वो है। तो यहाँ ट्रेनिंग होती है सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह की। आईपीएस उसके मतलब ऐसे कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। हाँ, तो अगर किसी को करनी हो तो यहाँ से लकवी ज़रूर आना, यहाँ आपको ट्रेनिंग मिल सकती है। ये है पूरा ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे इनके घर भी है। और यहाँ पे हम इसलिए ट्रेनिंग वाले रहते हैं, घर नहीं है। हाँ हाँ, वही तो है उनके जो बच्चे आते हैं ना। और यहाँ पे हमने देखा व्यू, तो हम आ चुके हैं यहाँ। तब भले यहाँ रोड कुछ नहीं है, वहाँ स्कूटी खड़ी कर रखी है, वहाँ से दिखाएंगे। यहाँ से पहाड़ भी दिख रहे थे, इतने मस्त दिख रहे थे ना। अब यहाँ से नहीं दिख रहे क्योंकि यहाँ पे पेड़ वगैरह है इतने लंबे लंबे, तो यहाँ से नहीं दिख रहे, वहाँ से दिखाएंगे। आगे से दिख रहे थे। और इससे अपोजिट साइड डायरेक्ट है जंगल, मैं दिखाती हूँ। इतना घना जंगल है इसके बाद तो, और पूरे बंदर ही बंदर रास्ते में भाई। मैं तो ऐसे ऐसे चला के लेके आ रखी स्कूटी, मेरे को डर लगता है कहीं वो कहीं पे उछल ना जाए हमारे ऊपर, तो इसलिए। ये है कुआं पुराने ज़माने का, और ये कितना खतरनाक हो रखा। फ़ोटो में वैसे नहीं लग रहा पर देखने में इतना खतरनाक लग रहा, एकदम भूतिया सा। और ये है सरकारी स्कूल। और पहाड़ देखो, वाओ पहाड़ देखो यहाँ से, यानी इसमें आ रहे होंगे कि नहीं, पर सामने देखने में इतना गजब लग रहा है। वो देखो फिर से सरसों का खेत। हाँ वो इतना पहाड़ दिखा तो दिया, वो है पहाड़। वाओ, आज हम बहुत जगह घूम चुके हैं, बुआ ने मुझे बहुत जगह घुमा दिया। एकांत वाली जगह है, इतना शांत लग रहा है इधर। वहाँ आते हैं, इधर ही आते हैं, नहीं जाते लोग मार्केट में, जाते हैं घूमने के लिए। हाँ यहाँ आते हैं। वाओ, गुड गुड, बहुत देर तक टाइम हो सकते हैं, हमारे 2 घंटे गर्मियों के टाइम पे तो हम ज़्यादा तक इधर ही रहते हैं। हाँ तो तेरे को कुछ और दिखाने के लिए, लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। अच्छा, उसका फार्म हाउस है? वो तो नहीं है, वो उधर नहीं, वो तो नहीं, वो तो हिमालयन कॉलेज है। हाँ, और एक पहाड़ देख, कितनी अच्छी व्यू गाइस। यहाँ भैंसे ही भैंसे पड़े हैं, डेयरी होगी शायद ये। किसी का दूध दूध का धंधा हो गया यहाँ। दूध का धंधा, बेचारे
हालत खराब हो गई सारे। वैसी रोड इतनी खतरनाक है इधर। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं घूमने से घर, और अभी मैं ले जा रही हूँ चाय। मिस्त्री आ रखे हैं ना काम करने, तो अभी चलती हूँ मैं चाय दे के आती हूँ। सो बुआ तो वहीं पे उतर गई थी, तो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम पहुँचे हैं ऊपर छत में पानी डालने, ये पूरा सूख चुका था। ओहो यहाँ कितना मज़ा आ रहा देखने में, ऊपर से नीचे पूरा। बड़ा मज़ा आ रहा है मेरे को यहाँ से नीचे देखने में। से मिल सकते हैं यहाँ, ये पूरे दिन भर इसमें बैठी है ये। तो कशिश जिंदगी क्या? में यही है भाई। हाँ ये है, सो और कुछ नहीं, सोते ही रहो पूरे दिन भर। हम यहाँ कहाँ कहाँ नहीं घूम के आए, तेरे को पता है? नहीं पता, इसने तो देखा भी नहीं अभी तक क्या कि हमने क्या किया अभी। तेरे को अभी पता चलेगा जब ब्लॉग आ जाएगा, उसको देख लियो क्योंकि ये देखती नहीं भाई। मैं बिजी हूँ भाई। कैसे बिजी? ऐसे ये नींद पूरी करना जरूरी है ना। ओ क्या ये सच है? नींद नहीं अच्छी नहीं, जिंदगी में मजे लेने बहुत वो है। अरे ये बेड में बैठे बैठे तो क्या दुनिया घूमेगी, मुझे घूमना है बेड में बैठे बैठे ये सब कुछ घूम लेगी। तो आज का व्लॉग तो यहीं पे अंत करते हैं क्योंकि आज हम बहुत जगह घूम चुके हैं, व्लॉग बहुत बड़ा हो चुका है इस तरह। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आ रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक ले बाय।